उपमंडल झंडुता के ग्राम पंचायत बरौली कला के गांव बलो की रहने वाली अरिपता शर्मा मेडिकल लैब में डिप्लोमा करने के उपरांत रोजगार प्राप्त कर लोगों की सेवा करना चाहती थी, क्योंकि उसकी ग्राम पंचायत बरौली कला के आसपास 6 ग्राम पंचायतों के लगभग 5,000 लोगों को अपने टेस्ट करवाने के लिए दूर जाना पड़ता था। उसने सोचा कि मेडिकल लैब में डिप्लोमा तो किया ही है, क्यों ना यहाँ अपने क्लिनिक लैब बनाकर लोगों की सेवा की जाए। इससे उसे भी रोजगार मिलेगा और लोगों की सेवा करने का सपना भी पूरा हो जाएगा। लेकिन धन अभाव के कारण वह कुछ भी कर पाने में अपने आप को असमर्थ समझ रही थी। उसी दौरान उसने रोजगार स्थापित करने के लिए विकासखंड झंडुता में उद्योग विभाग के प्रसार अधिकारी से संपर्क किया तो उसे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की जानकारी मिली। इससे उसकी खुशी की ठिकाना ना रहा और उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी और रोजगार के साथ साथ लोगों की सेवा करने का सपना भी साकार होगा। उद्योग विभाग के प्रसार अधिकारी से प्रेरणा लेकर अर्पिता ने अपनी खुद की क्लिनिक लैब खोलने का निर्णय लिया। उसने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन किया तथा हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक शाखा से लैब मशीनरी के लिए 10 लाख रुपए का ऋण लिया, जिस पर उद्योग विभाग द्वारा 3 लाख रुपए का अनुदान मिला। अर्पिता ने उद्योग विभाग तथा हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक के अधिकारियों के सहयोग से नवंबर 2019 में अपनी क्लिनिक लैब स्थापित की और उसका कार्य सफलतापूर्वक अच्छा चलने लगा और प्रतिमाह 15 से 20 हजार रुपए कमाने लगी। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना से न केवल अर्पिता ने अपना व्यवसाय शुरू किया बल्कि 2 लोगों को भी रोजगार प्रदान किया और लोगों की सेवा करने लगी। मेडिकल लैब में प्रशिक्षण प्राप्त अर्पिता आज अपने क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं को विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। अर्पिता ने बताया कि अब वे रोजगार के साथ साथ लोगों की सेवा भी कर रही हैं। पहले लोगों को क्लिनिक टेस्ट करवाने के लिए 15 से 30 किलोमीटर दूर बरठी और सहतलाई घुमार में जाना पड़ता था। बरौली कला में क्लिनिक लैब स्थापित होने से क्षेत्र में लोगों की आर्थिकी के साथ साथ समय की भी बचत हुई है। उन्होंने बताया कि लैब में सभी प्रकार के टेस्ट किए जा रहे हैं। अर्पिता का कहना है कि युवा वर्ग सरकारी नौकरियों के पीछे भागने के बजाय यदि अपना व्यवसाय स्थापित तो वे अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं और दूसरे लोगों को भी रोजगार प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। मैं अर्पिता शर्मा गांव डाकघर ब्लॉक की रहने वाली हूं। मैंने वर्ष 2018 में मेडिकल लैब में डिप्लोमा पूरा किया। डिप्लोमा पूरा करने के बाद मैं बेरोजगार थी तथा रोजगार चाहती थी और कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे मैं लोगों की सेवा भी कर सकूं। इसके लिए मैंने विकासखंड झंडुता में प्रसार अधिकारी उद्योग विभाग से संपर्क किया तो उन्होंने मुझे हिमाचल सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में अवगत कराया। इसके बाद मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरकर हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक शाखा बरठी से 10 लाख रुपए का ऋण प्राप्त किया। इस पर उद्योग विभाग ने मुझे 3 लाख रुपए तक का अनुदान दिया। वर्ष 2019 में मैंने बरौली कला में अपनी लैब स्थापित की जहाँ से मैं अपना रोजगार चला रही हूँ। इससे मुझे हर माह 15 से 20 हजार तक की आय प्राप्त हो रही है, जिससे मैंने 2 और लोगों को भी रोजगार दिया है। बरौली कला में लैब स्थित होने से यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा मदद मिली है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जैसी योजना चलाकर युवा वर्ग को रोजगार चलाने में सहायता की है। धन्यवाद।